कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर। कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो। काकी ने अगरबत्ती नहीं लगाई आज, कोई उठा क्यों नहीं अभी तक? हेलो आजी, तू निकल गए कोल्हापुर से? जल्दी आना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ यहाँ। हाँ नहीं तो आ जा, फिर साथ में नाश्ता करें। हाँ ठीक है। एक मिनट। चक्रवर्ती, आप इन्हें कमरे में ले जाए। भाई ने सब कुछ देखा है, जैसे ही उसने दरवाजा खोला संपत वर्मा और उसकी वाइफ फर्श पे मिले, उनकी लाश खून में लथपथ थी।
बाई काफी डरी हुई है। उनका बेटा तरुण उसे रूम में कुर्सी से बांध के इतना मारा कि वो वहीं मर गया। और बेटी तारा वो गायब है। रूम में जगह जगह पे खून के धब्बे पड़े, रूम बिखरा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ ढूंढने आया। इसका मतलब ये है कि घर में एक ही सदस्य ऐसा है जो जिंदा है, जिसे कुछ नहीं हुआ है। निलंजना मात्रे। यस सर। हमारी प्राइम विटनेस। कहाँ है वो? वो अंदर रूम में है। पर सर आप तारा का रूम देख लेते तो? नहीं, ये तुम्हारा फोटो है, तुम जाके देखो, मैं उससे बात करता हूँ। ओके। जाओ। पुलिस। बिना देखे आपने? अंधी हूं, लेकिन घर में जो हुआ उसके बाद सिर्फ पुलिस ही आ सकती है। सुना मैंने आपके लोगों को कहते हुए कि बहुत बेरहमी से मारा है, 5 बार चाकू घोंपा, गला काट दिया। घोसले। यस मैम। मैडम क्या हुआ होगा इस कमरे में? तारा का बाल, उसने खूनी से बच के भागने की कोशिश की होगी। लेकिन क्या वो बची होगी? शायद नहीं। और फिर खूनी उससे वहां से जबरदस्ती खींच कर यहां तक लाया होगा। भोसले, खिड़की से बाहर से भी देखो, शायद वहां कुछ मिल जाए। तारा ने भागने की कोशिश जरूर की होगी। ये खून के धब्बे बता रहे हैं कि उस पर हमला जरूर हुआ होगा। तो उसे ले कहां गए होगी? घर की जो दूसरी सेट की जो चाबियां हैं वो शायद आपके पास रहती हैं। जी वो मेघा मैडम ने दी तो थी, लेकिन मैं कुछ नहीं की साहब, मैं तो यहाँ काम करने आई थी। अब चाहे तो मेरे मर्द से पूछ लीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं होगा, समझी? जी मैं आई तो बस लाशें देखी, और ये तो बेचारी देख भी नहीं पाती, ये क्या बता पाएगी? कभी कभी जो आंखें नहीं देख पाती हैं वो शायद निलंजना
आप महसूस कर पाएंगे। जरूर, मैं आपकी जो मदद कर सकती हूँ करूंगी। शायद मेरे सेंसेस आपकी कुछ मदद कर सके। पूछिए, क्या पूछना है? उसके लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। यहाँ आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी प्राइम विटनेस हैं और आपकी हर कही हुई बात हमारे लिए एक क्लू साबित हो सकती है। पल्लवी, एक मिनट, ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, खून के धब्बे हैं, इन्हें आपको चेंज करके हमें देना होगा, क्योंकि हमें हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भिजवाने हैं। जी पल्लवी, आप ये नीलू को कहाँ ले जा रहे हैं? ये बेचारी तो अंधी है, कुछ देख भी नहीं सकती। तारा सर, तारा तारा से मिलवा दीजिए एक बार प्लीज। तरुण मेरा दोस्त है, उसे एक बार देखने तो दीजिए। मुझे बताइए कि आप में से किसी ने देखा है कि इन लोगों की किसी के साथ दुश्मनी थी? आपने देखा है कि शायद इनके घर में कोई कोई आया हो? Has anybody seen something? नहीं सर। घर की चार दीवारी में क्या होता है हमें क्या पता? तारा को कौन उठा कर ले गया, कौन कब आया, कहाँ क्या हुआ, हम यही थोड़ी झांकते बैठेंगे घर में। बिल्कुल ठीक है तुमने, राइट। एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ कह देता हूं, इस घर में तीन लोगों की मौत हुई है और एक लड़की किडनैप की गई है, और आप सब लोग इस घर के इतने नजदीक रहते हैं कि अगर इस घर में कोई चीखा तो आवाज आप सब तक पहुंचेगी। अब सच मुझे कौन बताएगा, और जल्दी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम सही नहीं होगा। सर, हम तो कल शादी में थे, बस वर्मा जी का परिवार नहीं था। जी इसका मतलब ये है कि ये जिस किसी ने किया है वो अच्छी तरह से जानता था कि ये जो मोहल्ला है खाली रहेगा। मेरा नाम नीलांजना महात्रे है। मैं अपनी आजी कौशल्या महात्रे के साथ दो गली छोड़कर 12B में रहती हूँ। संपत काका के घर आना जाना होता रहता है मेरा। कल जब आजी को किसी काम से कोल्हापुर जाना पड़ा तो वो मुझे काका काकी के घर छोड़ गए। सुबह से रात तक मैं वहीं थी। शाम को करीब 7 बजे काका ऑफिस से आए। काकी ने मिसल पाव बनाया और आशा रात के खाने की तैयारी कर रही थी। हाँ, 9 बजे आशा घर चली गई। फिर 11 बजे तरुण क्रिकेट खेल के लौटा और तारा भी उसी के आसपास अपनी नर्स की शिफ्ट पूरी करके आई। सबने साथ में खाना खाया और फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। फिर क्या हुआ? फिर 1:30 बजे। देखिए, आपकी जो आईसाइट है वो तो आपको कैसे मालूम है कि रात के 1:30 बजे थे? डेढ़ बजे मैंने कुछ आवाजें सुनी। मैंने काका काकी तरुण तारा सबको आवाज लगाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपने बिस्तर से उठी, चप्पल पहनी और लिविंग रूम की तरफ गई। जैसे ही मैं लिविंग रूम की तरफ गई
मुझे लगा वहां कोई है। काका, काकी, तारा कैसी आवाज थी ये? और फिर मुझे तारा की आवाज आई, उसने कहा कि वो थकी हुई है और मुझे कहा कि मैं सोने जाऊं। जब मैं वापस जा रही थी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं गिरने ही वाली थी कि तरुण ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में छोड़ दिया। तरुण ने सर एक सेकंड, सर वो तरुण का हाथ नहीं था। क्या मतलब? काका की उंगलियां पतली हैं और तरुण के हाथ काफी सख्त। इसका मतलब वहां कोई पांचवा इंसान भी मौजूद था। उसके दोनों पैरों की आवाज कुछ अलग थी, जैसे एक पैर जमीन में रखने के बाद दूसरा रख रहा हो, जैसे लंगड़ाता हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो खूनी है उसने आपका कत्ल नहीं किया बल्कि बड़ी ही सावधानी से एक अच्छे ढंग से आपको दूसरे कमरे में ले गया? कहाँ है मेरी पोती? मेरी पोती कहाँ है? मेरी पोती? अरे उसे यहाँ क्यों लाए? एक तो बेचारी देख भी नहीं पाती। नीलू, मेरी बच्ची, आप लोग इसे यहाँ क्यों ले आए? माता जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी पोती से कुछ बातचीत करनी है। एक बार बातचीत हो जाती है हम इसे जाने देंगे। देखिए, पहले एक्सीडेंट मिस किया के चली गई, कितनी परेशान है, ऊपर से ये त्रास। आजी, मेरी बात तो सुन पहले। बोल। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे, क्या पता कुछ मदद ही हो जाए। देखिए माता जी, जब कत्ल हुआ था आपकी पोती वहाँ पर मौजूद थी, शायद ही हमारी मदद कर सके और हम तारा को बचा सके। तारा? तारा जिंदा है? क्यों? मेरा मतलब गायब है? सर मैं आपको जो भी बता सकती थी बता चुकी हूँ। ठीक है, आप अपनी पोती को वापस घर ले जा सकती हैं। हाँ, जा, जा। सुनिए, आप लोगों को जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाए आपको फिर से आना होगा। आपके पास आने में मुझे 7 कदम लगे और वापस जाने में 6 लगेंगे। आपके हाथ में जो कंचे हैं वो 3 हैं और उनका साइज मीडियम। खैर, आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊं। सर अपना की लागचे ये लड़की कभी कभी जो दिखता है ना वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी नहीं दिखता। आपके हाथ में जो कंचे हैं वो 3 हैं और उनका साइज मीडियम। सब जगह पे इन्फॉर्म कर दिया। किडनैपर अगर तारा को हॉस्पिटल या शहर से बाहर ले जाने की कोशिश भी करेगा तो हमारी टीम को अलर्ट मिल जाएगा। उसकी फोटो मेडिकल शॉप और जनरल स्टोर्स में भेज दी। सर, आप अभी भी निलंजना के बारे में सोच रहे हो? आप पूछो। निलंजना को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे परिवार के 3 लोगों के मरने का या फिर तारा के गायब होने का जरा सा भी दुख है। उसके चेहरे पर इतनी सी शिकन नहीं, और मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मर्डरर है उसने परिवार के 3 लोगों को जान से मार दिया, तारा को अगवा कर लिया और निलंजना को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो
देख नहीं सकती बिकॉज शी कैन नॉट सी समथिंग इज मिसिंग. बस पापा तारा को सही सलामत भेज दो. बस करनाज कितना रोएगी. तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी नीलू बिल्कुल सही सलामत है. जो हो गया उसे थोड़ी ना बदल सकते हैं. तू ऐसे क्यों बोल रही है. तू मुझ पे शक कर रही है आजी. मैं अंधी 3 लोगों को नहीं मार सकती. इतनी मजबूत नहीं हूं मैं. तारा की किस्मत में होगा ना तो वो सही सलामत आ जाएगी. तू खाना खा ले मैं पढ़ने जा रही हूं. तुम निलंजना पे पूरी नजर रखो. कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा. उसने उस आदमी के बारे में भी बताया था ना जिसने उसे कमरे तक छोड़ा था. मैं गिरने ही वाली थी कि तरुण ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में छोड़ दिया. तरुण ने सर एक सेकंड. सर वो तरुण का हाथ नहीं था. उसके दोनों पैरों की आवाज कुछ अलग थी जैसे कि लंगड़ाता हूँ. वो आदमी लंगड़ा कर चल रहा था राइट. हाँ सर मैं हॉस्पिटल से शुरू करती हूँ. नेबर्स और रिलेटिव में भी इंक्वायरी करती हूँ शायद वहीं से कुछ पता चल जाए. और उस रात घर में जितने भी लोग मौजूद थे सबके फोन डिटेल्स निकाल कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा. और आई एम श्योर कि ये जो 5वां मेंबर है उसके बारे में हमें कोई ना कोई क्लू जरूर सामने आएगा. ओके सर. भोसले सर इंस्पेक्टर काले को कहो कि वर्मा की हिस्ट्री निकालेगा. हो सकता है कि किसी ने उस पर केस किया हो या वर्मा ने किसी पे केस किया हो क्योंकि दिस सीम्स लाइक अ केस ऑफ पर्सनल एनिमिटी. ये जरूर आपसी दुश्मनी का मामला है. जाओ. ओके सर. तारा को जितना जल्दी हो सके हमें ढूंढना होगा क्योंकि अगर वो जिंदा है तो अब भी उसकी जान पे खतरा बना हुआ है. हेलो जी बोलिए. पूजा बात को समझने की कोशिश करो. किडनैपर जो है वो तारा को लेकर हॉस्पिटल क्यों जाएगा. उसे वहां पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी नंबर्स देने पड़ेंगे एड्रेस देना पड़ेगा. ही कैन नॉट अफोर्ड टू गेट कॉट. व्हाट तुम ऐसा करो कि आसपास के जितने रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं जो घर खाली हैं उनके बारे में पता करो और जो मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा ही करो. जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स. डू यू गेट दैट. हाँ बोलो मीरा. तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो अभी. तुम्हारी टीम का सवाल करना बिल्कुल नॉर्मल है और वाजिब भी. अरे वो मैं समझता हूँ लेकिन किसी भी तरह से मुझे तारा को जल्द से जल्द ढूंढना है. मुझे ये बताओ कि तुम फोरेंसिक वाले इतना समय क्यों ले रहे हो. 3 खून हुए हैं और केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए. कुछ भी पता लगाना बेहद मुश्किल है. पर हाँ एक खास बात. कांच के टुकड़ों ने विक्टिम के वोकल कॉर्ड्स को बहुत बुरी तरह डैमेज किया. व्हाट कांच के टुकड़े मतलब कि उन्हें कांच खिलाया गया था. जी हाँ इसी वजह से शायद वो चिल्ला नहीं पा रहे थे. लेकिन निलंजना ने तो कहा था कि उसने किसी की आवाज सुनी थी. कहीं वो हो सकता है क्योंकि उनको खाने में कांच मिला कर दिया गया. उनके रूम पे जो ब्लड सैंपल्स और बाल मिले हैं वो तारा के हैं. आप चाहे तो ये देख सकते हैं.
हैप्पीनेस। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किडनैपर जो है वो तारा को अपने साथ लेकर क्यों गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा ही किडनैपर और जो फैमिली के मेंबर्स हैं इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये जो फोटोग्राफ्स है मैं कुछ समय के लिए तुमसे बोरो करना चाहता हूँ। For what? कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं। कॉलोनी के आसपास के सारे खाली घर दुकान सब कुछ छान मारो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। या Keep me updated. आखिर सर के दिमाग में चल क्या रहा? मुझे लगता है अंधी लड़की ही है इन सब के पीछे, वरना खूनी उसे क्यों छोड़ेगा? फालतू कहानी बना रही है ये, क्यों बसले? तरुण वर्मा हिट एंड रन केस, नीलेश मात्रे ऑन द स्पॉट डाइट, निलंजा मात्रे सर्वाइव्ड। तरुण की वजह से निलंजा मात्रे का भाई मरा, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके आंखों की रोशनी चली गई। तरुण बहुत तेज गाड़ी चलाया करता था सर, और उसे इस बात के लिए पूरा पड़ोस टोका करता था, लेकिन वो मानता नहीं था। फिर एक दिन लेकिन पुलिस ने और कौशल आंटी ने इसे उसकी नहीं उसके पीने की आदत की गलती बताई। लेकिन नीलू को इस बात का गुस्सा था बहुत, वो तरुण को देखते ही अपना आपा खो बैठती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। निलंजना के पास खून करने का मोटिव था, जरूर था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि खूनी कातिल वही है। आप लोग जा सकते हैं। पूजा, वो जो आदमी निलंजना को कमरे तक छोड़कर आया था उसके बारे में कुछ मालूम पड़ा? नहीं सर, फोन केसेस और उसके डिटेल्स से भी कुछ ज्यादा पता नहीं चला, पर कॉलोनी के आसपास की खाली जगह की लिस्ट निकाल के रखी है। एक सेकंड सर, लिस्ट सर। लिस्ट निलंजना ने ये कहा था कि जो आदमी उसे कमरे तक छोड़कर आया था वो लड़खड़ा रहा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था जी, जिसकी वजह से हमारा जो फोकस है उसके पैरों की तरफ गया। हाँ। मुझे ये बताओ कि कभी तुम्हारी पीठ में दर्द हुआ है या कमर में दर्द हुआ है जिसकी वजह से तुम ठीक से चल नहीं पाई? नहीं सर, मुझे नहीं हुई, पर बाबा को सालों से ये प्रॉब्लम है और मैं उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट मुझे वहां चेक करना चाहिए। Exactly. That's what I'm trying to tell you. इसे पकड़ो। ये जितनी भी लोकेशन है आसपास की मैं उन्हें चेक करके आता हूँ। मुझे बताओ कि क्राइम सीन से ये लोकेशंस कितनी दूरी पे हैं? करीब 1 से 4 किलोमीटर। अच्छी आपको कैसे पता चला किसी जगह तारा मैडम मिलेगी? चक्रवर्ती जी,
मैंने ये नहीं कहा कि तारा मैडम जरूर मिलेंगी, मैंने कहा था कि हो सकता है कि तारा मैडम यहाँ पर मिले, समझे बाबू मुझे? ओके सर, चलिए। ओके सर। जी मैडम, ऐसा एक पेशेंट है तो सही, आप मुझे ना प्लीज एक मिनट दे दीजिए, मैं अभी आपको चेक करके सारी डिटेल्स बता देती हूँ। हाँ कमर में दर्द हो तो योगा करो, ट्रिपल मर्डर नहीं। घोसले लेके जा इसको। तारा को ढूंढना हमारा फर्ज था और पुलिस ने अपना फर्ज पूरा किया, और देखिए ना, तारा के मिलते ही केस अपने आप पूरी तरह से सॉल्व हो गया। निलंजना जी, पहले हमारा जो शक है वो आप पर था, लेकिन तारा के मिलते ही सारा का सारा केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया, सच अपने आप सामने आ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जब भी कोई इंसान किसी पे वार करता है, किसी पर हमला करता है, तो खून के जो छींटे होते हैं वो कभी सीधे नहीं पड़ते। टेढ़े होते हैं, तिरछे होते हैं, या फिर इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं कि दे आर अनइवन, अनइवन इज द वर्ड। आप नर्स है ना? ये जो बैंडेज आपने की है, आप ही ने तो की, गुड वर्क, बहुत अच्छा काम किया है। चोट तो आपने छिपा दी, लेकिन एविडेंस कैसे छिपाएंगे? पूजा ने आपके घर पर जो खिड़की है, उस खिड़की पे एक कील है, कील पर आपके कुछ बाल अटके हुए उसे मिले थे। हमें ऐसे लगा कि आपने भागने की कोशिश की और किडनैपर ने आपके बालों से खींचकर आपको वापस घर में लाने की कोशिश की, लेकिन जब बालों से खींचकर आप किसी को लाने की कोशिश करते हैं तो बाल जो है वो जड़ से उखड़ते हैं, राइट? लेकिन
कील पर जब आपने बाल लगाए अटकाए तो ये बात शायद आप भूल गई थी, क्योंकि कील पे जो बाल हमें मिले वो जड़ से उखड़े हुए नहीं थे, वो सिर्फ काट के लगाए गए थे। मुझे मालूम था कि तुम किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाओगी, यहीं कहीं आसपास रहोगी और मौका मिलते ही अपने घर वापस आ जाओगी। मर जाता मगर तुम्हारा नाम कभी नहीं लेता तारा। और मुझे पूछे कि खाने में कांच का चूरा मिलाकर खिलाए क्या, मैंने तो बस इतना ही कहा कि आप ही ने खाना परोसा था सबको। बोलिए, जो सच है क्या आप सब कुछ अपनी जबान से हमें बताएंगी या फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? अफसोस सिर्फ इस बात का रहेगा कि यूवी के साथ जो मैंने सपने देखे थे वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आई बाबा तरुण को तो मरना ही था, लेकिन नीलू थी, इनको तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था वहां। ये सब क्यों किया तुमने? यूवी से शादी करना चाहती थी मैं, लेकिन जब ये बात मैंने घर पे बताई तो उन लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तरुण ने मुझे धमकी दी कि वो लोग यूवी को मरवा देंगे, बस इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे घर में कैद कर दिया। हर रोज मुझे मारते थे, हर रोज यूवी को मारने की धमकी देते थे। वो लोगों को देख मुझे घुटन होने लगी थी। फिर बस एक दिन मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, संभाल के प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। नो, कुछ भी हो जाए प्लान कैंसिल करने की बात मत कर। नो, नीलू दी ने हमेशा मेरा साथ दिया, उसको कैसे मार सकती थी मैं? जो काम मुझे करना चाहिए था वो तारा ने कर दिया,
तरुण को मारकर नीलेश की मौत का बदला ले लिया। लेके जाओ इनको। अबे सर। जी बोलिए। एक बात पूछूं? आप पूछिए। आपकी ये तीन कंचों की क्या कहानी? कहानी लंबी है और कभी समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। आप लोग इन्हें लेके जाइए।